स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट अस स्टार्ट रूट्स अंडर स्पेशल कंडीशन. तो देखो जो चीजें लास्ट टाइम हमने पढ़ी उसको याद रखना है और उसको भी हम अप्लाई करने वाले हैं. तो इधर क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर abc बिलोंग टू रियल एंड a नॉट इक्वल टू 0. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देन दीस कंडीशंस होल्ड ट्रू. देखो पहली कंडीशन क्या है, इफ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. अगर रूट्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और उनकी साइन अपोजिट है तो हम क्या बोल सकते हैं, सम जीरो हो जाएगा. यस तो सम जीरो मतलब माइनस बी बाय ए इक्वल टू जीरो. तो कंक्लूजन क्या आ गया, बी इक्वल टू जीरो. इजी बी जीरो फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट्स हैं तो डी बी ग्रेटर देन जीरो होगा डेफिनेटली. इक्वल टू नहीं लगाऊंगा क्यों, अपोजिट साइन के रूट्स हैं तो सेम रूट्स तो नहीं होंगे, अपोजिट है इसलिए. हां ठीक है ना. सो फर्स्ट कंडीशन इज सम इक्वल टू जीरो एंड सेकंड कंडीशन इज डी ग्रेटर देन जीरो. ओके इजी नोट कर लो इसको. फर्स्ट कंडीशन ऑफ एसी लेस देन एसी लेस देन 0 बोल सकता हूं. एसी लेस देन 0 इज कॉल्ड डी फॉर रूट्स टू एग्जिस्ट. ठीक है बट एसी पॉजिटिव होगा तभी भी रूट्स हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है. तब पर बी स्क्वायर 0 है ना तो -4ac तो हां वहां से बोल सकते हो. इफ यू आर सेइंग दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac एंड माय बी 0 सो -4ac इज पॉजिटिव. So AC is negative. ठीक है ये भी बोल सकते हो आप. सर मतलब A और C की positive difference sign opposite होगी. Yes definitely. ठीक है ना बोल सकते हैं. सर ये वाला बताओ ना सर, D greater than zero. फिर से बेटर roots हो गए ना, roots है. अच्छा हाँ opposite sign तो दो real, तो इसकी condition क्या है, two real and distinct roots are there. Okay sir. ठीक है चलो आगे चलें क्या, फटाफट फटाफट लिखते चलो. सर फिर ये भी एप्लीकेबल है AC less than 0 क्योंकि मतलब बट दिस आई डोंट रिकमेंड क्योंकि मैं जो चीजें रिलेट करूंगा वो ज्यादातर हम लोग रिलेट करेंगे जो आइडेंटिकल चीजें, जैसे D हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये एक सफिशिएंट कंडीशन है बताने के लिए रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट. AC हर जगह नहीं चलेगा, इस क्वेश्चन में AC चल रहा है. ठीक है हर जगह AC नहीं चलेगा क्योंकि AC पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है रूट्स रियल होने के लिए. ठीक है ना, दैट इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन बट d ग्रेटर देन 0 इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर रूट्स टू एग्जिस्ट. ओके इज इट क्लियर. ठीक है ना. अच्छा चलें आगे सेकंड कंडीशन देखें क्या. यस अच्छा लिखो सेकंड कंडीशन. चलो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, अगर रूट्स इक्वेशन के एक दूसरे के रेसिप्रोकल है प्रोडक्ट वन. ठीक है ना तो प्रोडक्ट वन होगा तो c / a 1 के बराबर होगा. क्या वो हां तो c = c / 1 के बराबर होगा तो a इक्वल टू c आ जाएगा. हां ठीक है ना तो a इक्वल टू c आ जाएगा. इज इट क्लियर. यस सर. तो यहाँ पे d equal to zero minus और plus one के लिए लिखा है. d equal to zero इसीलिए भी लिखा है क्योंकि बेटा one भी तो हो सकता है ना, one one दोनों roots हो. ठीक है ना, one one दोनों roots हुए तो. ओके. यस सर. तो roots equal भी हो सकते हैं. It is not compulsory. ठीक है ना. चलिए तो नोट कर लो कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर टू. ओके थर्ड कंडीशन में चले. यस सर. यस सर. चलो लिखो थर्ड कंडीशन. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन, दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा. यस सर. रूट्स अगर अपोजिट साइन के हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा. लिखते जाओ फटाफट. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नेगेटिव तो c / a इज नेगेटिव. हां तो या तो c / a नेगेटिव मतलब क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा. तो अगर मैं ऐसा सोचूं ac नेगेटिव हो गया तो दो कंडीशन बन सकती है, या a पॉजिटिव होगा तो c नेगेटिव होगा, a नेगेटिव होगा तो c पॉजिटिव होगा. सो द कंडीशन दैट आई विल राइट इज ac को क्यों नेगेटिव ले रहे हैं बेटा, c / a नेगेटिव है ना. हां अच्छा हाँ वो रिलेशन के लिए
दो नंबर्स का डिवीजन नेगेटिव का क्या मतलब है? एक कोई नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, है ना? हाँ सर, ठीक है ना सर। एसी कैसा आया नेगेटिव? बेटा ये देखो आप, सी बाई ए नेगेटिव है, ये चीज क्लियर है? तो हाँ. भाई दो नंबर का डिवीजन नेगेटिव है तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव ही होगा डेफिनेटली, हाँ है ना? यस सर। चले आगे, दो मिनट सर। चलिए आगे, नेक्स्ट। सो दिस इज मेथड वन ऑफ सेइंग, लिख लो। मेथड वन इज इफ द रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन देन आई कैन डेफिनेटली से प्रोडक्ट इज नेगेटिव। अच्छा मैं और क्या क्या बोल सकता हूँ बताओ? दूसरी एक तरीके से भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई? मुझे ये चीज पता है रूट्स अपोजिट साइन के, मतलब डेफिनेटली दो रूट है तभी अपोजिट साइन के, पहली चीज। दूसरा मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जीरो रूट्स के बीच में लाई करेगा। सर वो फर्स्ट वाला ग्राफ थोड़ा ऊपर आएगा ना सर, उसी अच्छा सी नेगेटिव। अरे तुम लोग ग्राफ को देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान दो ना भाई, तुम लोग कहाँ पे गाड़ी जा रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग इफ जीरो, आई एम सेइंग बोथ द रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, सो कैन आई से जीरो इज बिटवीन द रूट्स? यस। सो इफ आई एम सेइंग जीरो इज बिटवीन द रूट्स, कैन आई से ए एफ ऑफ के विल बी लेस देन जीरो फॉर के बिलोंगिंग टू अल्फा टू बीटा, यस और नो? नोट कर लो, ए एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो होगा, तो ये मेथड टू है बोलने का। आप ऐसा भी बोल सकते हो ये जीरो इज बिटवीन द रूट्स, ओके? मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव, नोट कर लो ये रूट होगा, जीरो होगा। ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि एफ ऑफ जीरो सी होगा और ए इनटू सी नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, डेफिनेटली आप वो भी बोल सकते हो, बट हम इसको किससे रिलेट कर रहे हैं मोहम्मद? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था फॉर अ रूट for a point to lie between the roots, a f of k should be less than zero. ठीक है? तब पर हमने वो वही से तो आया ना, वो a x square plus b x plus c में x zero डाला तो c। तो सर ये a f of zero direct कैसे लिखा था मतलब पहले? अरे भूल गए क्या? कल की क्लास में ये लिखवाया तो था यार, क्या कर रहे हो तुम? हाँ सर वो तो याद, a f of k less than। फिर क्या लफड़ा है? ये लिखा तो है तुमने, क्या लिखा ये? a f of k less than zero. Then what about k? यहाँ लिखा हुआ है ना आपने नोट्स में k belonging to हाँ सर ये तो याद है सर। सर वो हमने वैसे ही बोला ना, roots opposite sign के तभी zero उनके बीच में और f of zero को zero से छोटा है। तो उसी की तो condition पढ़ रहे हैं बेटा, उसी की तो condition पढ़ रहे हैं, उसी की तो condition पढ़ रहे हैं कि zero roots के बीच में है। हाँ सर वही पूछ रहा, ठीक है ना? चीजें समझते हुए चले, जल्दी जल्दी चलो, ओके यस। चले आगे, दो मेथड है बोलने की, मैंने दोनों आपको बता दिया। आप दो तरीके से बोल सकते हैं, कंक्लूजन दो तरीके से आप दे सकते हैं। इधर ए सी इज नेगेटिव यू कैन से, ओके, और व्हाट एल्स यू कैन से इज ए एफ ऑफ जीरो इज नेगेटिव, ओके। चलो फोर्थ कंडीशन में आ जाओ अभी, इफ बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स पॉजिटिव है, तो उस केसेस में हम क्या बोलेंगे, कंडीशन क्या होगी? दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो सबसे पहली कंडीशन जो आप बोलोगे वो बोलोगे सम पॉजिटिव होना चाहिए, यस yes? यस yes. दूसरी चीज जो आप बोलोगे कि प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, यस यस सर। तीसरी चीज आप बोलोगे कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। नोट करो, थ्री कंडीशंस आर देयर, दीस आर सफिशिएंट इनफ कंडीशंस टू गिव मी द रिजल्ट दैट बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव, ओके यस। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। ये एक मेथड वन है बोलने का, अब मेथड टू समझो आप। मेथड टू क्या बोल रहा है? व्हाट मेथड टू इज सेइंग? मेथड टू बोल रहा है कि अगर बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव तो क्या मैं बोल सकता हूँ जीरो इज लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? मैं बोल सकता हूँ जीरो इधर लाई कर रहा है रूट्स के? यस और नो? यस। अब जीरो लाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से समझना ना, इफ यू अंडरस्टैंड, मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ बी बाय टू ए जो कि रूट्स के बीच में होगा, या सम ऑफ द रूट्स वाला पार्ट है, सम ऑफ द रूट्स वो पॉजिटिव है, तो कैन आई से फ्रॉम हियर माइनस ऑफ बी बाय ए इज पॉजिटिव, तो बी बाय ए वुड बी नेगेटिव, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ध्यान से समझना, b by a is negative, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि b and a are of opposite sign? Yes.
तो अगर a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा, a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा, यस सर। अच्छा रूट्स पॉजिटिव है तो c by a पॉजिटिव होगा, यस। तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं, कैन आई से दैट c एंड a आर ऑफ सेम साइन, सेम साइन। तो हमने कंक्लूजन ये ड्रॉ कर लिया कि अगर a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा और c पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा और c नेगेटिव होगा, इज इट क्लियर? जो a का साइन है वही c का साइन होगा। यस सर, इज इट क्लियर? यस, ठीक है, समझ आ गया आपको? यस सर। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना, इजी? यस, ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट नाउ। फिफ्थ, एक मिनट लिखना था, लिख लो लिख लो लिख लो। Yes, चले आगे सर। ओके लेट्स मूव टू फिफ्थ नाउ, पांचवे पे आ जाते हैं। लेट्स टेक द फिफ्थ प्रॉपर्टी नाउ। फिफ्थ क्या बोल रहा है? इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नेगेटिव, देखो ये अलग अलग केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, अब एग्जामिनेशन में कोई भी केस आ सकता है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। ओके, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नेगेटिव तो सम क्या होगा? नेगेटिव। प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और बी क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये तीन केसेस आपको करने पड़ेंगे। Is it clear? Sum negative, product positive, or d greater than or equal to zero. Okay. तो accordingly आप a, b और c की signs बता सकते हो। भाई sum negative है, तो b by a negative है, minus b by a negative है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं b by a positive होगा, तो a और b का sign opposite होगा। Sorry, same होगा। A का sign positive है, तो b भी positive। A negative तो b भी negative है ना? B by a positive है। अच्छा product क्या है? प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सी बाई ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो सी और ए का साइन भी सेम है, तो अगर ए पॉजिटिव है तो सी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो सी नेगेटिव होगा, मतलब कोएफिशिएंट सारे सेम साइन है, ए बी सी सब पॉजिटिव, ए बी सी सब नेगेटिव। ओके, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नेगेटिव देन दिस इज गोइंग टू हैपन। बहुत ज्यादा नंबर थ्योरी में यूज होता है कि रूट्स पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे कंक्लूजन ये बता सकते हैं, रूट्स पॉजिटिव है तो ए सी का साइन सेम होगा, बी का अपोजिट होगा, रूट्स नेगेटिव है तो हम बोल सकते हैं डेफिनेटली कि हमारा सारा का सारा नेगेटिव होगा या सारा का सारा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे अच्छे कंक्लूजन है ये जो हमने निकाले। ओके, मेथड वन ऑफ सेइंग, दिस इज मेथड टू ऑफ सेइंग, अच्छा व्हाट एल्स यू कैन से, मेथड थ्री ऑफ सेइंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, दोनों रूट्स नेगेटिव है, ठीक है, दोनों रूट्स नेगेटिव है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जीरो इज लाइंग आउटसाइड द रूट्स? यस, देखो ये सेम आप पिछले वाले में भी थर्ड मेथड पहले था, जीरो जीरो इज आल्सो लाइंग आउटसाइड द रूट्स, पिछले वाले में भी ऐड करना और इसमें भी ऐड करना, ठीक है, जीरो रूट्स के बाहर लाई कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ फॉर रूट्स लाइंग आउटसाइड ए एफ ऑफ जीरो इज पॉजिटिव, ये होता है, यस, यहाँ पे भी जीरो आउटसाइड है तो ए एफ ऑफ के पॉजिटिव है, यहाँ पे के मतलब वो रूट के बीच में भी तो आ सकता है ना सर? नहीं बेटा, मैं जीरो के बारे में क्वेश्चन में के आप क्या रखोगे, आपको पता नहीं है ना, आप जीरो सर, लेकिन बता सकते हो कि रूट के बाहर होगा सर, मतलब इसीलिए डाउट था कि एफ ऑफ के लिखा है तो लेस देन जीरो भी हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। अरे ये देखो ना, नीचे देखो तो ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो तो कंडीशन है जो जनरल, मतलब लिखना है f of 0 ही है ना, मतलब वो मैच कर रहा था इसीलिए अपन ने उसको ऐसा लिखा। सर की आवाज आ रही है? सर आपका आवाज नहीं आ रही।
ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस हाँ सर भाई, है ना? एक मिनट सर, मेरा ऑडियो इनपुट थोड़ा कम लग रहा है, बराबर है? नहीं नहीं क्लियर आ रही है, ऑडियो की आवाज एकदम क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? क्लियर हाँ सर। यस यस सर। चलो ठीक है ना, तो सबसे पहले भी हम स्टडी करेंगे। देखो ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो से हमें पता चला कि ए एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो का क्यों, जीरो इज लाइंग आउटसाइड द रूट्स फर्स्ट पार्ट। तो बेटा देखो अब चीजें समझनी है आपको बहुत अच्छे से। जीरो की अगर मैं बात करूँ तो आउटसाइड द रूट्स लाई कर रहा है, इसीलिए ए एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है कि दो रूट्स होंगे नेगेटिव? नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि a f of 0 अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये भी है कि रूट्स ना भी हो। हमें क्या पता a f of 0 greater than 0 कब कब होती थी? याद करो, आपकी नोटबुक में लिखा है a f of 0 आउटसाइड द रूट्स, तीनों केसेस में होता था। तो अभी तो हमने एक केस फिक्स किया कि भाई आउटसाइड द रूट्स का पार्ट हो सकता है, पहला। दूसरा, अब रूट्स होने की क्या कंडीशन है? D greater than equal to zero, yes? D greater than zero. क्या ये समझ आ रहा है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, कहीं इधर उधर भटक गए तो भूल जाओगे क्या बता रहा था मैं, ठीक है ना? सबसे पहली कंडीशन a f of k greater than zero, it is for the point outside the roots. Now for roots to exist, it is d greater than equal to zero. अब मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों कंडीशन इसमें चलेगी, a f of 0 greater than 0 मेथड 3 में लिख रहा हूं मैं, देन d greater than equal to 0। अब क्या कंडीशन बताएगी कि 0 लेफ्ट हैंड साइड रहेगा या राइट हैंड साइड रहेगा? तो ये वर्टेक्स बताएगी। कौन बताएगी? वर्टेक्स। वर्टेक्स वर्टेक्स बताएगी। वर्टेक्स क्या बताएगी कि भाई माइनस बी बाई टू ए जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब 0 इज लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पे क्या बताएगा? माइनस बी बाई टू ए 0 से छोटा है, तो वर्टेक्स इज लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0। क्लियर सर? यस बेटा ताहिर। सर थर्ड वाला मेथड वापस बताओ ना, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। देखो पहला समझ गए आप, ए एफ ऑफ 0 पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, सर, वो हो गया। दूसरा डी पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज दो रूट होने चाहिए, क्योंकि ए एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 ये नहीं बताता है कि रूट रियल होंगे कि नहीं होंगे, वो तो ऐसे केसेस में भी पॉजिटिव होता था, फिर इक्वल के रूट्स के पॉजिटिव होता था, और आउटसाइड द रूट्स में भी पॉजिटिव होता था। तो ये तीन चार जगह पे पॉजिटिव होता था, ठीक है? तो हमने पहले क्या किया, हमने बोला कि स्क्रीनिंग किया, हमने बोला ये तीनों केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट फिर ये वाले पे एक और टिक लगा, क्यों? डी ग्रेटर देन जीरो हमने कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर हमने क्या बोल दिया कि जीरो इज लाइंग जो वर्टेक्स राइट हैंड साइड होगा देन जीरो, क्योंकि दोनों रूट्स नेगेटिव है तो उसका वर्टेक्स भी नेगेटिव ही आएगा, तो माइनस बी बाय टू एस देन जीरो। इज इट क्लियर? सर आपकी आवाज कट गई थी, आप थोड़े आप वीडियो एक सेकंड, मेरी आवाज कट रही है क्या? हाँ सब ठीक है? अब आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो देखो तीन कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन किए, व्हाट आर द थ्री कंडीशंस, समझते जाओ। ए एफ ऑफ के इज पॉजिटिव, डी इज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड द थर्ड कंडीशन इज माइनस बी, इसके लिए है बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव है। तो आपको सिर्फ इसमें चेंजेस और करना है कि भाई माइनस बी बाई टू ए मेरा मेरी आवाज आ रही है सबको? सर वीडियो ऑफ कर दो, एक मिनट रुक जाओ।
आवाज मेरी आवाज तो आ रही होगी तुम लोग को, आवाज नहीं आ रही क्या? वीडियो कब से प्रॉपर आ रहा है? हाँ थोड़ी थोड़ी देर अटक जाती है। ठीक है आवाज? हाँ सर। यस सर। ठीक है चलो ओके। तो मुझे कहाँ तक पता चला? फोर्थ पार्ट पता चल गया? हाँ सर। ओके फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला बोथ द रूट्स आर नेगेटिव वाला पार्ट। नेगेटिव पता चला? उसी कंडीशन के लिए होता है। आपकी आवाज बोथ द रूट्स आर नेगेटिव पता चल गया आपको? नेगेटिव क्यों है दोनों रूट्स? हां सर। ठीक है तीनों मेथड बताया मैंने, मेथड 3 बताया। इजी है वो, बीच बीच में आवाज चली जा रही है, थोड़ा बोल रहे हो फिर थोड़ी देर बाद। हां सर। अब देखो ए एफ ऑफ के ग्रेडेशन, दूसरा डी पॉजिटिव, तो क्या पता चला कि रूट्स आर देयर and they are lying outside the roots. Is it clear? Yes. Now I have to fix the roots in such a way that zero is lying on either side. Positive hai, jo ki is case mein tha, to roots right hand side tha. Dono roots agar negative hai, to roots right hand side hai. Is this clear? Iska matlab kya hai? Vertex hai, to bol sakte hai minus b by 2a jo hoga wo zero se chota hai. Jab dono roots इस केस में क्या बोल सकते हैं? माइनस बी बाई टू ए है क्योंकि जीरो इज स्मॉलर देन द रूट्स। ठीक है ओके यस और नो? ठीक है सर। अभी आवाज कट रही है क्या? नहीं सर। ठीक है ना, तो रिस्पॉन्ड कर पता चले क्योंकि दो चीजें डिवाइस कनेक्टेड है ना, एक वीडियो वाला कनेक्टेड है एक ऑडियो वाला। सर माइनस बी बाई टू ए भी हमने वो सम वाले उससे ही कंक्लूड किया ना, वो चीजें बता रहा हूँ वो बिल्कुल होगा, विल बी लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यू कैन से सम ऑफ द रूट्स विल आल्सो बी द मिड पॉइंट है ना, जो सम ऑफ द सर फिर से। ठीक है तक गई हमारा। चलो ठीक है ना, फिफ्थ केस डन है। यस सर। हां सिक्स्थ। चलो सिक्स्थ, इफ एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, एटलीस्ट एक रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है भाई? एक पॉजिटिव हो जाए या दोनों पॉजिटिव हो जाए, एटलीस्ट है ओके। ठीक है एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव हो जाए या दोनों पॉजिटिव हो जाए। तो सबसे पहले आप देखो, पहला आपने एक देखा जिसमें रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, केस नंबर 3 आपका, याद करो roots of opposite sign, is it clear? Yes. तो जब roots opposite sign के होंगे तो definitely positive तो होगा ही, तो एक positive वाला वहाँ से आ जाएगा, और both the roots are positive, is it clear? Sir. इसका काम क्या था? क्या? इसमें काम क्या हुआ था union लगाने का? मतलब वो सारी कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी। एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव का मतलब क्या है?
एक पॉजिटिव हो जाए या दोनों पॉजिटिव हो जाए चलेगा, तो एक पॉजिटिव का केस निकालेंगे उसको फिर यूनियन करेंगे दोनों पॉजिटिव होने के केस से, तो एटलीस्ट वन पॉजिटिव आ जाएगा ना, मतलब दोनों के केस सॉल्व करने पड़ेंगे। यस लिखा है ना, थर्ड केस यूनियन फोर्थ केस। ओके नेक्स्ट लिखो, इफ एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, थर्ड केस यूनियन फिफ्थ केस। थर्ड क्या बोल रहा था, अपोजिट साइन वाला, फिफ्थ क्या बोल रहा था, बोथ नेगेटिव। सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड करो, लिखो बेटा लिखो। हाँ सर ओके, तो सिक्स्थ आपका हो गया, सेवेंथ भी आपका हो गया, एटलीस्ट वन रूट। अब एट्थ देखते हैं, सर अभी तक वो एक रूट जीरो ऐसा कंडीशन नहीं आया, एक रूट जीरो, अगर इक्वेशन का एक रूट जीरो हो तो उस वो कंडीशन नहीं है। एक रूट जीरो होगा तो इसका मतलब क्या, सी जीरो होगा, खत्म, क्या करना है उसमें। हाँ मुझे, अरे ऐसे तो हजार केस बन सकते बेटा, हम वो डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा रूट्स के बारे में, कि उनकी लोकेशन क्या है, हमारा मेन टारगेट वो है, ठीक है, और भी केसेस हो सकते हैं, तो उसमें यही लॉजिस्टिक्स आपको अप्लाई करने का, हाँ यार ऐसे सोच रहे हैं हम लोग कैसे हम रूट्स को फिक्स करते हैं, ठीक है, मतलब ये वन रूट इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, वन रूट ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, ठीक है, तो जो एक रूट बड़ा है वो पॉजिटिव होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, सम पॉजिटिव होगा, यही बोल सकते हैं बस। अब दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, तो वी कांट से एनीथिंग, बट अगर आपने ये बता दिया कि बड़ा मैग्नीट्यूड जिसका है वो पॉजिटिव है, तो सम हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, यहां से हमने सिर्फ यही कंक्लूजन निकाला कि बी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन। और क्या कंडीशन लगा दोगे आप, एक कंडीशन ये भी लगा देना कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देना, जीरो, ठीक है। अब ग्रेटर देन जीरो करना, क्योंकि ग्रेटर रूट उसने बोला है, तो डेफिनेटली रूट्स अलग होंगे, तभी कोई एक बड़ा एक छोटा होगा, है ना। नेक्स्ट नाइन्थ ले लो, इफ ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, तो सम नेगेटिव, ठीक है, सम नेगेटिव, तो वहां से कंक्लूजन हमने निकाला ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, अरे सेम साइन, हां, एंड डी ग्रेटर देन जीरो तो करना ही आपको, ठीक है ना सर। चले आगे सर, एक मिनट, ओके लिख लो नाइन्थ वाला लिखो। यस सर, सर ये सब याद करने, नहीं नहीं ये लॉजिकली कर रहे ना, याद किसको रहता है, कैसे कर रहा हूँ ये लॉजिकल चीजें समझाता जा रहा हूँ ना, इसको ऐसा कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन आएगा तब हमें यही चीजें वापस से रिकॉल करनी है, Yes, याद sir. नहीं करना, सब लॉजिकल चीजें हम कर रहे हैं कि भाई जीरो लेफ्ट हैंड साइड होगा, जीरो राइट हैंड साइड होगा, दोनों रूट पॉजिटिव है, दोनों रूट नेगेटिव है, ठीक है ना। हाँ सर ओके, चलिए नाउ लेट्स गो विद 10th, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर जीरो, दोनों रूट्स जीरो हैं तो क्या होगा, तो डेफिनेटली बी सी जीरो होगा, है ना। हाँ सिर्फ x स्क्वायर या कुछ का कोएफिशिएंट होगा, यस ए एक्स स्क्वायर का फॉर्म बचेगा सिर्फ, ठीक है ना। ओके चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस नाउ, आई थिंक काफी ज्यादा डिस्कस हो गया, या एक और बाकी है शायद, एक दो रुको वो भी देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर जीरो एंड माइनस बी बाई ए, ठीक है हसन तुम्हारा वाला आगे लो, ठीक है ना, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर जीरो एंड माइनस बी बाई ए, ठीक है, तो सी क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा एक रूट अगर जीरो है, देखो ये बताने की जरूरत नहीं थी, ये बताने की जरूरत नहीं थी, इफ वन ऑफ द रूट इज जीरो, मुझे एक चीज बताओ, अगर एक रूट जीरो है तो सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो ऑटोमेटिकली अल्फा जीरो है तो बीटा माइनस बी बाई ए ही होगा, और प्रोडक्ट भी जीरो होगा,
प्रोडक्ट जीरो होगा तो सी बाय ए जीरो होगा तो सी जीरो होगा. ओके. ट्वेल्थ, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर वन, अगर एक रूट वन है तो ये भी देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पता चल गया दूसरा क्या होगा, सी बाय ए होगा. क्यों? अल्फा बीटा सी बाय ए होता है. एक रूट वन हो गया तो दूसरा रूट क्या हो गया, सी बाय ए हो गया. सी बाय ए सर, ये सब पिछले क्वेश्चंस में भी करके आए थे. और सम अगर वन, देखो मुझे एक चीज बताओ, आपका एक रूट वन है तो हमें पता है कि ये माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है आपका. अल्फा वन है, बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ वन इज बीटा माइनस वन. यहाँ दोनों से हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, माइनस बी माइनस ए बाई ए इज सी बाई ए. ए प्लस सी इज माइनस बी. ठीक है, अलग अलग रिलेशन निकाल सकते हैं. कितना याद रखेंगे, सब देख लो एक बार, आंखों के थ्रू गुजर जाना चाहिए, कभी भी कुछ भी आ सकता है. ठीक है ना. ओके, एक और कंडीशन आपको पता है, ये लिखवा के आया था मैं आपको आगे, ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर होगा. ठीक है ना. चलिए, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन. अभी इतना सारा हमने जो पढ़ा उसको अभी हम अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को. ठीक है ना. सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस नाउ. सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लेट अस स्टार्ट. करें शुरू? यस. चलिए श्री गणेश करते हैं. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन लिखो. लेट स्टार्ट. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम द इक्वेशन रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. लिखने दे भाई क्वेश्चन. गलत आंसर है, ये ज्यादा उड़ता है ना, बहुत उड़ता है, गलत आंसर. चलिए शुरू करें क्या? चलिए करें क्या, कैसे करेंगे? माइनस वन. फिर तुम भी माइनस वन. अरे बता सकते हो. हाँ सर, ये सब क्या किया. बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है ना रे. ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को. आ जाओ. और व्हाट वैल्यूज ऑफ एम द इक्वेशन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने अभी बताया इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन मतलब क्या है. सम जीरो होगा. यस, मुझे बताते जाना अगर आपने कुछ और सोचा है. ठीक है ना, तो हम उसको वेरीफाई कर लेंगे कि ये सही है या गलत है. हां सर. ठीक है. एक सेकंड. रूट में जीरो. सम जीरो का मतलब क्या है? माइनस ऑफ बी बाई ए इक्वल टू जीरो. मतलब क्या है? माइनस ऑफ टू टाइम्स एम माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब क्या है? यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? m का वैल्यू वन होना चाहिए. फर्स्ट. सेकंड कंडीशन. फॉर व्हाट वैल्यूज रूट्स आर अपोजिट इन साइन. सो रूट्स होना तो चाहिए ना, तो d हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो. यस, d ग्रेटर देन जीरो. चेक कर लो. टू इंटू एम माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए m plus 5 greater than 0.
So can I say that m minus 1 ka square minus of m plus 5 greater than 0. So what is the conclusion drawn from here? M square minus 3m plus 1 minus 5. So plus 4 greater than 0. M ka value kya jayega? Sorry, minus 4 aega yahan pe. Plus 4 nahi, minus 4 ban raha hai na? M minus, haan. Ka 1 to chal hi nahi raha hai isme. Minus 4. Aray, to khiladi. Union. 4 se infinity. Haan. माइनस फोर और वन चलेगा ना, माइनस फोर और वन, तो फोर और माइनस वन आ जाएगा. यस मतलब तो चलेगा सर, तो फाइव आएगा आंसर. क्या जाएगा? नल सेट फाइव. नोट कर लो. चलो अच्छा, वन भी नहीं तो है सर, हम तो एक कंडीशन मैच करके खुश हो गए थे. ठीक है ना, तुम लोगों को मजा रहा. अरे इसी को कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है. अभी कॉन्सेप्ट्स लिखवा है ना मैंने आपको सारे, उन्हीं को यूज करना है अभी इन क्वेश्चंस में. हां सर. ठीक है. यस सर. ओके, नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन. केस 2 ले लो. आ जाओ. रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. आदम पता चला क्या कर? तो माइनस 4 m इक्वल माइनस 4. हां c by a equal to 1 minus c 5 equal to a. आपका m plus 5, a क्या है आपका 1 है. m का वैल्यू कितना है? माइनस 4. केस 1. केस 2 d greater than 0. हाँ सर, वो तो चेक कर लिया ना, अभी निकाला ना, अभी इंटरसेक्शन तो करना पड़ेगा ना. लेकिन निकाल के अभी आप ताजा ताजा तो माइनस इंटरसेक्शन करेंगे क्या जाएगा? दिस in this minus 4 so m equal to minus 4 is the correct answer. Note kar lo. Yes, yeah. Aajo third le lete. Roots are opposite in sign. Roots are opposite in sign. सर माइनस इनफिनिटी से माइनस 5. ठीक है, रूट सारा पूछते हैं. जीरो विल बी माइनस इनफिनिटी टू माइनस. यस ये ए एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0. यस या ए क्या है आपके पास? 1. अरे 1 m plus 5 लेस देन 0. m इज लेस देन माइनस 5. यस और नो? एम कितना जाएगा? माइनस इनफिनिटी से माइनस 5. यस यस सर. अब इसमें डी ग्रेटर देन 0 चेक नहीं करना पड़ेगा बेटा. यू अंडरस्टैंड दैट? क्यों नहीं करना पड़ेगा? ए एफ ऑफ 0 लेस देन 0 इज अ कंडीशन फॉर रूट्स टू एग्जिस्ट एंड फॉर 0 टू लाई बिटवीन. अच्छा, करोगे भी तो यही आंसर मिलेगा आपको. ये सबसेट ही है उसका, सबसेट ही आएगा आपका. हां जी, ये बात नहीं समझ में आई बेटा. आप नोट्स आपने अच्छे से नहीं देखा. ए एफ ऑफ के लेस देन 0 का क्या मतलब होता है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट एंड के लाइज बिटवीन द रूट्स. ठीक है, हां सर. आप मुझे बोल रहे हो कि डी ग्रेटर देन 0 चेक करो. टाइम चीज, ठीक है ना. तो ये तो रिडंडेंट चीज हो जाएगी ना. यहां रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो गया ऑलरेडी इसके अंदर. ठीक है, लेकिन जब a f of k greater than 0 होता है, it is not a condition for roots to exist. ये roots होने की condition नहीं है. इसमें roots होना भी आपको check करना पड़ेगा. ठीक है? अगर roots होते हैं, तो a f of k greater than 0 ये बताता है कि point is lying outside the roots. Clear? Yes. आ जाओ fourth. बहुत सारे question करेंगे, आपको बहुत अच्छा feel होगा. चलो fourth आ जाओ. Both the roots are positive.
यार तो हमने पहले वाले और दूसरे में डी क्यों चेक किया, क्योंकि हमें रूट्स ही निकालने थे ना, एम की वैल्यू उसके लिए, तो रूट्स हो गए एम की वैल्यू होगी ना, तो उसमें पहले निकाल तो लो ऐसा समरी जीरो हो सकता है ना। माइनस फाइव टू माइनस वन यार है, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, बिलोंग्स फ्रॉम माइनस फाइव टू माइनस वन, माइनस फाइव टू वन आ रहा है, तो वो दूसरा चेक किया डिस्क्रिमिनेंट वाला। देखो क्या क्या होना चाहिए, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, तो व्हाट विल बी द कंडीशन दैट यू विल चेक फर्स्ट, ए देखो सबसे पहले बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव तो क्या कंडीशन ऐसी ही बनेगी, यस दोनों रूट्स पॉजिटिव होने की कंडीशन यही है, तो दो मेथड से कर सकते हो, मेथड वन इज सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, यस सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, नो नेसेसरी कंडीशन ऑन दैट, ओके यहां से सॉल्व करो और आंसर निकालो आप, माइनस इनफिनिटी टू माइनस फाइव से वन माइनस फोर से इनफिनिटी, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसमें उसको बोलने दो जिसको कंफ्यूजन है, सब अपने अपने आंसर्स मत बताओ, ठीक है रुको फाइनल आंसर हम कंक्लूड करेंगे, उसके बाद अगर आपका आंसर डिफरेंट है तो हम बात कर सकते हैं, सिर्फ सुनो आप, सम पॉजिटिव करना है, प्रोडक्ट पॉजिटिव करना है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है, ये मेथड वन है आपका। मेथड टू क्या बोलता है, मेथड टू बोलता है कि हम पहली कंडीशन लगा दें a f of 0 being positive for it to be outside the roots first, second what I will apply is now तो करना पड़ेगा equal to भी चलेगा भाई, roots होना तो चाहिए, third minus b by 2a greater than 0 positive है तो वो यहाँ पे लाया करेगा, so it is greater than 0, this is minus b by 2a, this is minus b by 2a, so minus b by 2a is also positive, these three conditions you have to check, ye aapko check karna padega, theek hai ab pichle wale mein humne a kyu check nahi kiya, d should be greater than 0 wala, are yaar fir tum wahi baat kar rahe ho, bar bar batau maine bata to diya aapko a f of k less than 0 ka matlab kya hota hai beta, acha ha 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 sir wo maine dekha hi nahi tha, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, देखो ना क्यों नहीं देख रहे, होता है कि रूट होगा, डेफिनेटली रूट होगा, ओके ठीक है, तो भाई आपका क्या क्या आ रहा है अभी अभी डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है ना, तो ये कंडीशंस मैंने बता दिया, इधर यू फॉलो मेथड वन और फॉलो मेथड टू, ठीक है, तो अगर आपने सम ग्रेटर देन जीरो कर दिया यहाँ से तो कंडीशन क्या आ गई आपके पास, एम माइनस वन लेस देन जीरो, b by a is greater than 0, so b by a is less than 0, so from here m minus 1 is less than 0, so m is less than 1, last condition, yeah, next usne kya bola, d greater than or equal to 0 ki condition hai, so d greater than equal to 0 ki condition kya hai aapke paas, aapne nikala na m belongs minus to infinity so minus 1 union 4 से infinity, 4 से infinity, product greater than 0 matlab c by a positive hai, c क्या है m plus 5 greater than 0, so m is greater than minus 5, तो अब इनका सबका कॉमन इंटरसेक्शन ले लो, एक minus 5 पॉइंट है, एक minus 1 पॉइंट है, एक 1 पॉइंट है, एक 4 पॉइंट है, ठीक है ना, तो minus 5 से बड़ा बड़ा एक पार्ट ये आ गया, ये कंडीशन है बेटा, थर्ड कंडीशन ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट ये है, 1 से छोटा और minus infinity से minus 1 union 4 से infinity, कॉमन इंटरसेक्शन कौन सा होगा, तो लिख लो माइनस फाइव ओपन से माइनस वन क्लोज्ड, इज इट क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर, माइनस फाइव ओपन से माइनस वन क्लोज्ड, ओके यस सर, इजी, मोहम्मद चला वाला को समझ आ रहा है, मोहम्मद
नेक्स्ट बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, कर लो फटाफट फटाफट हम लोग आंसर वेरीफाई कर लेंगे. बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, गिव अ ट्राई. Both the roots are negative. चलिए अब पिछले दो में हाँ क्या बोल रहे हो मोहम्मद? सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर वो ही था ना, माइनस फाइव टू माइनस वन यूनियन फोर टू इनफिनिटी. फोर्थ वाले का आंसर ये है बेटा, माइनस फाइव टू माइनस वन, बस खत्म. टू इनफिनिटी तो जा ही नहीं रहा है. ठीक है ठीक है. हाँ कॉमन इंटरसेक्शन लेना है, केस वन केस टू केस थ्री. सर फोर टू इनफिनिटी बेटा, फोर टू इन्फिनिटी तो है ही नहीं ना यहाँ पे, है ही नहीं इसमें, फर्स्ट केस में ही नहीं है सम पॉजिटिव के लिए. तीनों का कॉमन लेना होता है ना आपको. यस सर, पर आपने वो नीचे वो डायग्राम में फोर टू इन्फिनिटी ड्रॉ नहीं किया. कहाँ पे किया है ना, किया किया, ये रहा, ये देखो ना ब्लैक किया, ये वाला दिख तो रहा है. तो वो माइनस फाइव से इन्फिनिटी जा रहा है, वो भी इंटरसेक्ट करेगा ना फोर टू इन्फिनिटी के साथ. कहाँ जा रहा है फर्स्ट केस में बेटा, वन से छोटा है तो फोर टू इन्फिनिटी कहाँ से आएगा? नहीं वो एक केस में हमारा आया था ना माइनस फाइव टू इन्फिनिटी. एक से क्या होगा, हमें तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, तभी वी हैव टू टेक ऑल थ्री टुगेदर, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री. अच्छा हाँ हाँ हाँ, माइनस फाइव टू माइनस. चलिए थर्ड केस, फिफ्थ में आ जाओ बेटा. बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी. अच्छा तो सम क्या होगा पहले? 4 टू इनफिनिटी नेगेटिव. हां सर 4 टू इनफिनिटी, बहुत सही. प्रोडक्ट पॉजिटिव और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. m की वैल्यू क्या आ रही है? 4 टू इनफिनिटी आ रहा है. सबका चेक कर लो, क्लोज्ड 4 टू इनफिनिटी. हां सर. यस मतलब गाड़ी देखो बिल्कुल सही चल रही है ना. मोहम्मद नल्ला वाला का बिल्कुल ठीक है. अवध का आ गया? अवध यस सर. ओम का आ गया? ओम. उधर दो ही लाइन है, तीनों होनी चाहिए. ठीक है चलो देखें क्या करें इसको सॉल्व. सम नेगेटिव का मतलब क्या बेटा? सम नेगेटिव मतलब से बड़ा होगा यहाँ पे. नेगेटिव का मतलब क्या है? फोर क्लोज टू इनफिनिटी, फोर माइनस, अरे फोर ओपन से इनफिनिटी. सम मतलब नेगेटिव मतलब m ग्रेटर देन वन. प्रोडक्ट पॉजिटिव अभी निकाल के आया, प्रोडक्ट पॉजिटिव का क्या था? माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन फोर टू इनफिनिटी. यस मुझे बता दे, चलो आवाज आ रही है मेरी? यस. नेक्स्ट सर ये डी का था ना, डी ग्रेटर देन जीरो का कौन सा केस था आपका? तो यही था, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन फोर से इनफिनिटी. अच्छा तो थर्ड मैंने कहां पे लिखा है? थर्ड थर्ड कहां पे किया हमने? सम पॉजिटिव कर लिया, प्रोडक्ट पॉजिटिव. अच्छा ये था m वाला 5 वाला है ना, m ग्रेटर देन माइनस 5 ये वाला, ये थर्ड आपका था. ठीक है ये प्रोडक्ट है, तो भाई प्रोडक्ट वाला ये है, ग्रेटर देन माइनस 5 वाला प्रोडक्ट का था और d ग्रेटर देन 0 वाला ये केस था. दिस इज द केस फॉर थर्ड. ये 1 ये 2 ये 3 और आंसर्स में ये 1 ये 2 और ये 3 है, ध्यान रखना. अब इनका कॉमन इंटरसेक्शन ले लो आप. ठीक है तो आ जाएगा आपके पास माइनस फाइव माइनस वन वन और फोर. तो पहला है वन से बड़ा ये पार्ट, दूसरा माइनस फाइव से बड़ा, तीसरा
माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन फोर्स इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन फोर्स इन्फिनिटी क्लोज्ड है यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना सॉलिड है. तो फाइनल आंसर क्या जाएगा आपके पास, कॉमन इंटरसेक्शन फोर क्लोज इन्फिनिटी ओपन. ओके मतलब सब समझ आ रहा है ना. अभी नेक्स्ट सिक्स्थ केस, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव. तो बेटा वन रूट पॉजिटिव के केस में क्या करोगे, अपोजिट साइन एंड बोथ पॉजिटिव. केस ऑफ अपोजिट साइन, अच्छा हाँ, यूनियन बोथ पॉजिटिव वाला, तो माइनस इनफिनिटी से माइनस वन माइनस एलिमेंट तक फाइव. अच्छा क्या था आपका, देखो अपोजिट साइन वाले का आंसर क्या रहा था, माइनस इनफिनिटी से माइनस फाइव आया था ना, माइनस इनफिनिटी से माइनस फाइव आया था. और बोथ पॉजिटिव का क्या आया था, यूनियन, अच्छा क्लोज्ड था कि ओपन था, ओपन था, ओपन था माइनस फाइव पे, और इसका था माइनस फाइव ओपन से माइनस वन क्लोज, हाँ माइनस वन क्लोज, यस बस. तो ये आपका आंसर आ जाएगा, खत्म, दिस इज योर आंसर. ओके हाँ सर, चलिए इसमें हम शाम का कुछ नहीं बोल सकते ना, ये वाले में नहीं बोल सकते ना, ये अभी हम डिस्कस करके हैं. देखो आपने लिखा है नोट्स में, वहां पे चेक करो क्या लिखा है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव के क्या केस में क्या होता है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव मतलब देखो नोट्स में लिखा है, वो तो इसका यूनियन, हाँ सर ये तो पता है, हाँ सर वो तो कैसे बताएंगे, वो सम के बारे में हम कंक्लूजन नहीं दे सकते ना, जो नेगेटिव हो वो ज्यादा नेगेटिव हो तो ठीक है. ओके सेवंथ केस आ जाओ, एटलीस्ट वन इज नेगेटिव, एटलीस्ट वन नेगेटिव में क्या जाएगा, बोथ नेगेटिव और अपोजिट माइनस इनफिनिटी, बोथ नेगेटिव फाइव यूनियन फोर टू इनफिनिटी फोर क्लोज. इस कंडीशंस को हर 10 दिन में एक बार रिवाइज करना वरना भूल जाओगे, ठीक है, नया नया ही लगेगा हमेशा, तो यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, ठीक है, इसको लिख के रखो रिवाइज करते रहना. अब अपोजिट का क्या मतलब है, यहां पे अभी हम निकाल के माइनस इनफिनिटी माइनस फाइव और यूनियन फोर से इनफिनिटी, यूनियन बोथ आर नेगेटिव, बोथ नेगेटिव कब होगा, फोर से, ये फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, नोट कर उसको, चलो फटाफट फटाफट, लेट्स नोट दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच, ये 6 के 6 केसेस में रिपीट करना, इक्वेशन मैंने दे दिया आपको, इसके आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. 1 plus m times x square minus 2 into 1 plus 3m. हां ताहिर कोई बात नहीं, ताहिर आंसर्स आ रहे हैं सारे के सारे, हां सर ओके, इन सबको एक बार कंडीशंस को सब अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है ना, वरना भूल जाओगे, ये कंडीशन छूट गई, ये कंडीशन छूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके हेत को सब समझ आ रहा है, हेत, यस सर, है ना, हेत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, नहीं सर इतना भी नहीं लग रहा. ओके ठीक है, लिखो ये इक्वेशन है आपके पास, और जितने 6-7 के सभी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करके आए थे 7, वही 7-7 केस इस क्वेश्चन के लिए हमें करने हैं, ठीक है. यस सर, चलिए नाउ लेट्स डू क्वेश्चन, आगे चलते हैं, चले आगे क्या, लिखो इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन पॉजिटिव है, तो m की वैल्यू क्या होगी बताओ, जीरो से थ्री. अच्छा क्या क्या कंडीशन लगाएंगे हम, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव, तो पहली कंडीशन बोथ रूट पॉजिटिव होंगे, सम पॉजिटिव, सेकंड प्रोडक्ट पॉजिटिव, थर्ड सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव,
D greater than equal to zero, मतलब m का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब m into c by a, तो m पॉजिटिव, यस, d पॉजिटिव कब होगा? d पॉजिटिव माइनस इनफिनिटी से 1 और 9 से इनफिनिटी, बिल्कुल माइनस इनफिनिटी से 1 क्लोज है, ओपन है, क्लोज आ जाएगा यूनियन 9 से इनफिनिटी, यस, इनका इंटरसेक्शन लेना है तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, 9 टू इनफिनिटी आ जाएगा ना, जीरो नहीं सर, एक केस में तो सिर्फ 0 से 3 जा रहा था, 0 से 1, हां 0 से 1 नहीं कैसे आएगा यार, कैसे भाई कैसे, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, सी दे दे 3 से बड़ा 0 सर, मैंने दो बार माइनस कर दिया इसलिए, खिलाड़ी हो तुम, एग्जाम में मिस्टेक करो, मैं और एक एक्स्ट्रा बार माइनस कर दिया, ध्यान से करो ठीक है ना, एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान आसान से, और आप मिस्टेक करके आओगे फिर तो बोलोगे सर ये छूट गया वो लगा दिया ये कंडीशन छूट गई, बहुत सिली मिस्टेक, वो छूट ही गया था लास्ट ईयर पेपर, चले मैं मिस्टेक कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, ध्यान रखना ये चीज, मैं 10 मिस्टेक कर सकता हूँ आप एक भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो हमें कॉशियस रहना है, चले आगे, हमने डिस्कशन किया है दैट इज कंडीशन ऑन रूट्स, दोनों पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो जाए रियल डिस्टिंक्ट, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी, अब हम जो टॉपिक में जाने वाले हैं वो इसका और डिटेल एनालिसिस है, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स, अब हम रूट्स को लोकेट के बाद डेवलप होगी, ओके चलें आगे।